अकबर का प्यारा तोता। एक बार बादशाह अकबर ने एक बहेलिए से बहुत ही सुंदर तोता खरीदा। उस तोते को बहेलिए ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोलनी सिखाई थी। इस गुण से प्रभावित होकर ही अकबर ने अच्छी कीमत देकर बहेलिए से वह तोता खरीदा था। अकबर जो भी पूछते, तोता उसका झट से उत्तर दे देता और अकबर खुश हो जाते। वह तोता अकबर को बहुत प्रिय हो गया। महल में उसके रहने और खाने पीने के शाही प्रबंध करवाए गए। उसकी देखरेख के लिए कई नौकर चाकर रखे गए। साथ ही उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। अकबर के सभी सेवकों को ये हिदायत थी कि उनके तोते कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और वह किसी भी हालत में मरना नहीं चाहिए। यदि किसी ने उसके मरने की खबर दी तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। महल में तोते का खास ख्याल रखा जाने लगा। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन तोता मर गया। उसके मरते ही सेवकों में हड़कंप मच गया। अब कौन उसकी मौत की खबर अकबर को दे? अकबर के प्रिय तोते की मौत की खबर देना मौत को गले लगाना था। सब परेशान हो गए कि कैसे ये बात अकबर तक पहुंचाई जाए। आखिरकार सबने मिलकर ये फैसला किया कि बीरबल अकबर के करीबी हैं, इसलिए उनसे ही ये खबर पहुंचाने कहना उचित होगा। हो सकता है अकबर उनकी जान बख्श दे। सारे सेवक बीरबल बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी बात बताई। बीरबल ये खबर अकबर तक पहुंचाने के लिए राजी हो गया। अगले दिन वह अकबर के पास पहुंचा और बोला, जहाँपनाह, आपके प्यारे तोते को जाने क्या हुआ है? न वह खाता है, न पीता है, न बोलता है, न आंखें खोलता है, न ही कोई हलचल करता है। नहीं, अरे तो सीधे सीधे बोलो ना कि वो मर गया। अकबर खींच कर बोले, जहाँपनाह, यही हुआ है। लेकिन ये आपने कहा है, मैंने नहीं। मेरी जान बख्श दीजिए। बीरबल झट से बोला। अकबर कुछ कह ही ना सके। इस तरह बीरबल ने अपनी अकलमंदी से अपनी और बाकी सेवकों की जान बचा ली।